इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ जीविनइल हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स हैक्सोपोर्ट्स के अंदर इंसेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स के अंदर प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस का मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस डेट स्टार्ट फ्रॉम अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस टिल द फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट यानि इमेच्योर स्टेजस से लेके मेच्योर स्टेज तक फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं अब इम्पेच्योर स्टेजेस में ब्रेन का पार्ट कॉर्पोरा एलेटा दिस प्रोड्यूसेस एंड रिलीजिस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ जूवीनाइल हार्मोन्स अब ये ज्यूविनाइल हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस होंगे दे विल सर्कुलेट इन द दिमोसिली एंड डिटर्मिन नेक्स्ट मोल्टिंग स्टेज इन इंसेक्ट्स अब जो जूविनाइल हारमोन है इसकी लार्ज कंसंट्रेशन जो हैं दे रिजल्ट इन अ मोल्ट टू अ सेकेंड इमेच्योर स्टेज जिसको हाँ और जो इसकी अगर लोअर की बजाय इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन जो है दिस विल रिज़ल्ट टू मोल्टिंग इन टू अनदर स्टेज दैट इज़ अ थर्ड इमेचोर स्टेज और अगर इसकी लोअर कंसनट्रेशन होगी दिस विल रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट स्टेज अब अगर सर्कुलेटिल जूवीनाइल हारमोन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा इसका नेट रिजल्ट होगा डीजेनरेशन ऑफ प्रोथोरेसिक ग्लैंड सो इन मोस्ट इंसेक्ट्स मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा वंस द अडल्टुड स्टेज इज रिस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्टिंगली एक और फैक्टर इसके अंदर ये भी देखा गया है कि फाइनल मोल्टिंग के बाद जो लेवल है जुवेनाइल हार्मोन्स का वो अगेन इनक्रीज करता है But now it promotes the development of accessory sexual organs and yolk synthesis and also helps in egg maturation. Like here, you can see the role of juvenile hormone in metamorphosis. These are the neurosecretory cells, protocerebrum corpora oleta, this is producing brain hormone. पी टी टी एच इस इट इज़ एक्टिंग ऑन द प्रोथ्रेसिक ग्लैंड जूबिनाइल हारमोन इसकी लो अमाउंट्स जो हैं वन देवर इट इज़ इन लो अमाउंट इट हैल्प्स इन द मोल्टिंग ऑफ दिस प्यूपे इंटू अडल्टे मोल्टिंग हारमोन जो है दिस कैन आल्सो एक्ट ऑन द लारवल मोल्ट फ्राम प्राइमरी टू सेकेंडरी स्टेज और नेक्स्ट अगर ज्यूबीनाइल हारमोोन विल ऑल्सो हेल्प इन डेवेलपिंग pupal mold to the adult mold so these are the juvenile hormone they help in metamorphosis in transforming the immature stages into the adult one and this is helpful in every type of insects whether it is butterfly whether it is pest whether it is insect